गाइज आज हम लोग आए हैं ऐसी जगह पर जहां पर सालों पहले जो वो लोगों की बस्ती रहा करती थी, बट इस टाइम पर यहां पर उनके घरों के जो वो खंडहर बचे हुए हैं और कुछ भी नहीं है गाइज। तो हमने सोचा क्यों ना इस जगह पर आकर खजाने की खोज की जाए। जी हाँ गाइज, इसीलिए हम लेकर आए हैं मेटल डिटेक्टर और इसकी मदद से हम ढूंढने वाले हैं उन लोगों की पुरानी पुरानी चीज़ें। हो सकता है वो रहते थे तभी कोई चीज़ ऐसे घूम गई हो और वो हमें मिल जाए। एंड हाँ गाइज, बता दूँ आपको काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें भी मिल सकती है, हो सकता है खजाना भी मिल जाए। मजाक कर रहा हूँ, इसको लाइटली लीजिए। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है यहाँ से खजाना निकालने का और अमीर बनने का, तो इसको एकदम लाइटली लीजिए। बट अभी गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग क्या करना, फटाफट से जो लाइक का बटन है उसे ठोक देना। टारगेट रखते हैं 3 लाख लाइक, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है 3 लाख लाइक इस वीडियो पर हो जाएंगे बड़े आराम से। तो अभी देखते हैं इसकी मदद से हम क्या क्या ढूंढ पाते हैं। खोदने का सामान आ गया सर। गाइस हम लोग एकदम रेडी है और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि क्या क्या मिल सकता है। तो आ जाइए हम साथ में ही देख लेंगे कि क्या मिलता है हमें। तो इस तरफ से जाना है गाइस, हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता गिरा हुआ है। देखो भैया कितना बड़ा है। और गाइस इसकी जो मधुमक्खियां होती है वो बड़ी और चमगादड़। गाइस 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 डर का माहौल कर रहे हैं यार। भैया ये खजाने की रक्षा कर रहे हैं क्या है? गाइस जैसा कि मूवीज में होता है ना कि कोई खजाने की रक्षा करने के लिए किसी को रखा हुआ है, अगर कोई उसको छेड़े तो भैया वो आ जाते हैं उसको बचाने, ऐसा भी हो सकता है। कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आइए यहाँ पर आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइस धीरे धीरे हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक बस्ती हुआ करती थी। आइए 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 गाइस, धीरे धीरे जो वो झाड़ियां बढ़ती जा रही है, जंगल जो वो घना होता जा रहा है। एंड देखिए भाई साहब, ये देखिए मैं आपको एक अवशेष दिखा देता हूँ। देखिए ये कभी एक टाइम पर घर हुआ करता था, देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर बचा हुआ है। गाइज ये आप जो देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अभी एक कॉर्नर बचा है। और तब के लोग जो थे वो पत्थर से घर बनाकर रहा करते थे। और ऐसे घर ये सिर्फ एक नहीं है, आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे घर है। तो गाइज यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमें कोई अच्छी चीज़ भी मिल जाए। लुक एट दिस गाइज, ओ ये पेड़ बेड़ सब उन लोगों ने ही बड़े किए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे पेड़ जो जंगल के अंदर कम होते, झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा होती है। ओ देखो देखो यही चीज़ देखने वाली थी गाइज, ये यहाँ पर जो घर है ना अभी तक गिरा नहीं है। देखो पूरा का पूरा नहीं गिरा है, कमरे टाइप का है। मैं आपको दिखाना यही चाहता था कि यहाँ पर इसी तरीके से लोग रहा करते थे। हालांकि चलो किस्मत अच्छी है तो एक ऐसा डेमो मिल गया हमें कि हम आपको दिखा सके कि भैया इतने इतने छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। लुक एट दिस, और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है और थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक हॉन्टेड विलेज हुआ करता था। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हमारा काम शुरू किया जाए। मेटल डिटेक्टर ले लो गाइज, ये रहा मेटल डिटेक्टर और ये है इसका फॉइल, जो कि ज़मीन के अंदर गड़े हुए खजाना या फिर कोई भी मेटल, मैं जस्ट खजाना एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पर्टिकुलर, बट कोई भी मेटल वो लोहा हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो मेटल जो वो ये डिटेक्ट कर सकता है पूरा का पूरा, मैं आपको इसका फीचर्स वगैरह भी बताऊंगा कैसे ये काम करता है और सारी चीज़ें। तो भैया पर्स लेके घूम रहे ऐसा लग रहा है। सो गाइस ये जो काम होता है ये आसान नहीं होता है भैया, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर कबाड़ भी मिलता है ना तो कबाड़ मिलने में भी आपको 10 दिन लग जाएगा, तब थोड़ा बहुत कबाड़ मिलेगा, उतना मुश्किल होता है ये। गाइज इसको हम कर सकते हैं यहाँ से ऑन कुछ इस तरीके से, देखिए। एंड अभी इसको रिसेट कर देते हैं गाइज, अभी ये मेटल ढूंढने के लिए एकदम तैयार है। दिखाओ छोटू, हम डेमो दिखाते हैं। देखिए इसका फ़ोन यहाँ पर है, ओके ये इस तरीके से रखा है मैंने, पास ले आओ। देखो गाइज इस तरीके से अगर इसके पास में कोई मेटल आ जाता है, और जितना बड़ा मेटल उतनी ही लंबी रेंज। एक बार वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, लोहे की कुल्हाड़ी रखो अपनी, कुल्हाड़ी तो नहीं बोलते उसे, बट देखो पकड़ रहा है ना गाइस। जितना बड़ा मेटल जो ज़मीन के अंदर गड़ा होगा रेंज भी उतनी ज़्यादा हो जाती है, 3-4 फुट तक आराम से जो वो गड़ी हुई चीज़ को ये डिटेक्ट कर सकता है। और गाइस जो अभी हमें करना है वो है तगड़ी मेहनत। गाइस हमारा काम जो है वो शुरू हो चुका है, बट अभी तक जो मशीन बजा तो नहीं है, और मैं आपको बता दूं ये ऐसे बजता भी नहीं है।
भैया कितनी भी मेहनत कर लो ये बचेगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल से, और हो सकता है तब जाके हमें कोई ना कोई छोटी मोटी चीज हाथ लगे। तो गाइस अभी उस जगह पर है हम जहाँ पर जो वो काफी पुराने पुराने लोग रहा करते थे। इसके लिए हमें बहुत मेहनत लगेगी यार। बाकी देखिए यहाँ पर भी कहीं पर जो थोड़ा बहुत भी इंडिकेशन कहीं पे मिल नहीं रहा है। देखिए हम ऐसे चल रहे, अगर कोई चीज आ गई तो सीधा जो वो सायरन बज पड़ेगा। ओके एक काम करो, मैं अकेला जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर। और अगेन गाइज मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बन रही है, खजाना ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, खजाना ऐसे मिलता भी नहीं है, वो सब फैली फैलाई बातें हैं। ओके बट हाँ कोई चीज़ मिल सकती है, अब समझ लो कि भैया पुरानी कोई चीज़ उसके बर्तन वगैरह कोई अगर ऐसा मिलता है तो वो भी अलग बात है। ठीक है Guys, हमने उस जगह पर बहुत मेहनत कर ली भैया, कुछ नहीं मिला, अभी बहुत एरिया बाकी भी है, तो भैया थोड़ी आशा भी है हमें, बट अभी हमें मेहनत करनी है यहाँ पर। Few inches later. यहाँ पर आओ फटाफट से। गाइज मैं जस्ट रैंडमली यहाँ पर सर्च कर रहा था और सोचा कि भाई पानी के अंदर भी कुछ मिल सकता है या फिर नहीं, तो देखो यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा सर्च किया, बट जैसे ही इस जगह पर आया ना, देखो मशीन जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, एज यू कैन सी, छोटू लगाओ फावड़ा लगाओ। गाइज यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि कोई ना कोई चीज़ बहकर आ जाए, क्योंकि ये भैया पानी बह रहा है ना, वहाँ से लोग फेंकते हैं या फिर कहीं से कुछ ना कुछ कूड़ा वगैरह कुछ भी आता रहता है। गाइज हमने खोदना शुरू किया है, यहाँ नहीं था यार, तुमने गलत यहाँ है, यहाँ कुछ है, देखो हाँ गाइज यहाँ है, हमने गलती कर दी, यहाँ पर खोद दिया। अरे यार ये क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ खोद, यहाँ खोद, एक काम कर अभी तीसरी बार यहाँ खोद दे। ये क्या है, ये वाले, हाँ ये, हाँ ये मार। अरे भैया अरे लो गाइस कोई चीज नहीं है यार, ये बस एक जो है ना हाँ चेन है, मेरे हिसाब से गाय भैंस वगैरह को बांधने के लिए कभी ना कभी यूज होती होगी, बट एक टुकड़ा ही है इसलिए सोचा होगा कि भैया फेंक देते। गाइज चलिए एक उम्मीद तो जगी, मतलब यार हमें तो लग रहा था कि भाई यहाँ पर कुछ मिलने नहीं वाला है, हम लोग जस्ट पैकअप करने वाले थे, बट चलो वीडियो को कंटिन्यू करने की हिम्मत मिली है, क्योंकि भले ही कबाड़ मिला हो बट कुछ तो है। ओके गाइज तो अभी वापस से आगे बढ़ा जाए। भैया यहाँ पर भी है देखो, ये रहे पुराने घर। गाइज यहाँ पर है ना, हम इसके अंदर नहीं जाने वाले, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर सांप बिच्छू वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहते हो, और दूसरी बात ये कभी भी ढह सकता है, तो जस्ट ऐसे ही भैया वीडियो बनाने के चक्कर में अंदर जाना सही नहीं होगा। देखो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, ये देखिए यहाँ पर ये लोग, यार ये कुछ पुराना नहीं है मेरे हिसाब से, देखो ये रस्सी वगैरह पुरानी नहीं है, इसके साथ में क्या बनता होगा, बकरी क्योंकि इसको भैंस तो मतलब तोड़ देगी, अगर भैंस गाय है तो तोड़ देगी, हो सकता है यहाँ पर बकरी वगैरह बांधा करते होंगे लोग। ओ गाइज इलाका काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत और बाकी है। अरे ये तो बाहर ही है यार, कुछ डिब्बी जैसा है गाइज, अंदर देखो खजाना तो नहीं। अरे नहीं इसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं एकदम खोखला है। तो भैया ये कोई चीज ऐसी है, बट अभी इसको हम है ना यहीं पर रख देते हैं, ये कोई ऐसी डिब्बी है छोटी सी, बट इसको यहीं पर रख देते, इसको छेड़ते नहीं है ज्यादा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। गाइज यहाँ पर बज रहा है देखो, हो सकता है कोई चीज़ हो, फटाफट से खुदाई करते हैं। देखो यहाँ पर बज रहा है, देखो इस तरीके से छोटू यहाँ पर खुद, हाँ अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिलेगा, रुको रुको एक बार चेक कर लेते वापस से। हाँ गाइज बज तो यहीं रहा है, हमने इतना खोद डाला बट अभी कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है कि कोई चीज़ हो सकती है अंदर। ओ भाई लो देखो गाइज ये थी, गाइज इतनी मेहनत के बाद में ये कूड़ा हाथ लगा है छोटू, ये तेरा गिफ्ट है। और गाइज यहाँ पर और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह है जो वो ढूंढना बाकी है यहाँ पर, प्लीज़ 3 मिलियन के बहुत करीब है, सब्सक्राइब मार दो यार, 3 मिलियन करवाओ। और है ना अभी यहाँ पर हम वापस से मेहनत करना शुरू करते हैं।
12 seconds later. कबाड़ कबाड़ और सिर्फ कबाड़। गाइस ये है एक आयरन रोड जो कि यहाँ से मिली है, और भैया यहाँ पर इसको रखो। गाइस 3-4 घंटे की मेहनत के बाद में जो हाथ लगा है वो है ये आयरन रोड। ये कुछ है पता नहीं है, मैं बोलूँगा नहीं क्या है। और ये है एक चेन। तो गाइस ये हम अपने साथ भी नहीं ले जाने वाले, इसको वापस से यहाँ पर रख देते हैं। अगर ऐसे सामने होगा कोई ज़रूरतमंद होगा तो, अगर किसी के काम की चीज़ होगी तो वो वापस से ले लेंगे। तो गाइस यहाँ पर वापस से एक बार बता दूँ कि ये जो हमने वीडियो बनाए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए थी। हमारा कोई मकसद नहीं था यहाँ से खजाना लूट के चले जाने का। बस ये चीज़ें मिलती है गाइस कितनी भी मेहनत करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी बट फिर भी कबाड़ी हाथ लगा। एंड आई होप कि जो आज की वीडियो थी वो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसे बनाने में। तो जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर से दबा देना, टारगेट है भैया 3 लाख लाइक का। ओके प्लीज़ कंप्लीट ज़रूर से करवा देना। एंड जिन भी भाई लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप कीजिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन पर प्रेस। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।